अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंदाज़ अपना अपना, और मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया शेख। तो नाज़रीन, आज हम शेज़वान सॉस से एक नई रेसिपी बना रहे हैं और इस रेसिपी का नाम है शेज़वान चाइनीज़ वेजिटेबल राइस। ठीक है, ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और आपको भी, और बहुत आसान रेसिपी है। बस एक चीज़ बनाने की देर है और वो है शेज़वान सॉस। ये बना लिया आपने तो बहुत सारी चीज़ें इससे आप बना सकती हैं, अपने जहन से भी बना सकती हैं। और जो चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो हैं शिमला मिर्च, दो शिमला मिर्च हैं ये बारीक बारीक काटते हैं, और ये दो बड़ी प्याज हैं पत्तों वाली। ठीक है, सिर्फ पत्ते लिए हैं इसके मैंने, प्याज नहीं ली। और ये आधा बंद गोभी है बड़ा वाला। ठीक है, और ये हैं गाजरें, दो बड़ी गाजरें हैं, इसको भी पतला पतला काट लिया है हमने। और शेज़वान सॉस जो है वो मैं तकरीबन एक चमचा भर के डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्चें डालूँगी और नमक थोड़ा हसबे ज़ायका डालूँगी सब्ज़ियों के हिसाब से, क्योंकि जो मैंने चावल बॉईल करे हैं ना उसके अंदर नमक पहले ही शामिल है। अच्छा, थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी, इसमें भी नमक होता है, और थोड़ा डालूँगी मैं ये चिल्ली सॉस ज़ायके के लिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, हम ये सब्ज़ियाँ फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 3 से 4 चमचे बस, ये तकरीबन खाने के 4 चमचे ऑयल है। अब थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैं सब्ज़ियाँ स्टेप बाय स्टेप डालना शुरू करती हूँ। नाज़रीन, अब हम इसमें डालेंगे ये गाजर, इसको थोड़ा सा सोते करेंगे। और नाज़रीन, मैं आपको शेज़वान सॉस सिखा चुकी हूँ, शायद आपने देखा हो, नहीं देखा तो आप देखें, मेरे चैनल पे जाके मैं इसकी रेसिपी डाल चुकी हूँ और बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप उस पर जाएं और देखें और मज़े मज़े के खाने बनाएं, अपने घर वालों को भी मज़े करवाएं, ख़ुद भी मज़े करें, सब घर वाले भी खुश और आप भी खुश, नई नई रेसिपियाँ उससे बनाएं। तो नाज़रीन, हमने ये गाजर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे शिमला मिर्च, और इसकी खुशबू तो बहुत ही आफत होती है, मुझे तो बहुत पसंद है, कुछ लोगों को पसंद होती है किसको नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और अब जैसे ही ये इसमें शामिल होगी ना तो पूरे चावलों में इसकी खुशबू हो जाएगी, और एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जब इसमें हम ऑयल में फ्राई करेंगे उसको तो उसकी खुशबू भी इसके अंदर बहुत अच्छी आएगी। अच्छा नाज़रीन, तो आप इसके अंदर अंडा फ्राई करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो इसी तरीके से अगर आप चिकन भी डालना चाहें तो चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन नाम इसका यही होगा शेज़वान चाइनीज़ और वेजिटेबल राइस। तो अगर आप चिकन डाल देंगे तो वो थोड़ा सा नाम और लंबा हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब डालेंगे हम ये बंद गोभी, इसको भी थोड़ा हम फ्राई करेंगे, और इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, जितनी देर गाजर और शिमला मिर्च होती ना इससे कम फ्राई होता है, ये बहुत नरम होता है और ज़रा सी देर में जो है ना ये नरम पड़ जाता है, वैसे तो कड़क लगता है लेकिन जब ये हम फ्राई करते हैं तो बहुत जल्दी ये नरम हो जाता है। तो नाज़रीन, अब हम डाल देंगे जल्दी से इसमें ये पत्तों वाली प्याज, और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ये जो है ना चावल जब बनते हैं ना तो इसके अंदर से एक तो शिमला मिर्च और एक क्या कहते हैं पत्तों वाली प्याज और बाकी जो इसके अंदर सॉसेस डलते हैं ना उसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी लगती है। और अक्सर बच्चों को जो है ना ये चाइनीज़ राइस तो बहुत ही पसंद होते हैं, आपके पास नहीं है चिकन अंडे ये सब्ज़ियाँ तो होती हैं, आप इससे आराम से जो है बना के बच्चों को खुश कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें चिकन ही डालें। ठीक है नाज़रीन, अब इसके अंदर हम चीज़ें शामिल करते हैं। तो नाज़रीन, ये 1 टीस्पून मैं डालूँगी काली मिर्चें, बिल्कुल इसी तरीके से बारीक बारीक पीस लीजिएगा,
और अब इसमें हम डालेंगे, पहले थोड़ा सा इसको मिला लें, और इसमें डालेंगे हम सब्जियों के हिसाब से जितनी सब्ज़ी है। ये छोटा चमचा होता है बिल्कुल, हाफ टी स्पून। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे, क्योंकि ये हम डालेंगे ना सोया सॉस, तो इसमें भी थोड़ा नमक होता है, तो बस ये चंद कतरे ही डालेंगे। और चिल्ली सॉस तो आप दिल खोल के डाल दें, उसकी खैर है। तो चिल्ली सॉस डाल दिया हमने ये, और इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि तमाम सब्जियों के अंदर ये मिक्स हो जाए, काली मिर्चें वगैरह सॉसेस। अच्छा, अब हम डालेंगे इसके अंदर ये एक चम्मच सोया वो शेजवान सॉस, ठीक है, जो मैं बना के चैनल पे अपने डाल चुकी हूँ, तो ये लाजमी डालिएगा। ये इसी से चावल तैयार होंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। और आपको मैं इंशाल्लाह शेजवान सॉस की कई चीज़ें इस शेजवान सॉस से बनाना सिखाती रहूँगी। आप देख, तो नाज़रीन अपने मुताबिक आप जो है शेजवान सॉस ज़्यादा डालना चाहें, अगर ज़्यादा चटपटा बनाना चाहें तो ज़्यादा चटपटा बना सकते हैं। आप एक चमचे की जगह दो चमचे डाल लें, ठीक है ना, यानी एक टेबल स्पून की जगह टू टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया है, और अब ये इसी तरीके से चावलों में भी आएगा नाज़रीन। तो ये थोड़ा सा सौते करके अब हम इसके अंदर उबले हुए चावल, जैसे नॉर्मली तरीके से आप चावल उबालते हैं नमक डाल के, और थोड़ा सा ऑयल डाल के चावल बॉईल कर लिए थे, तो अब मैं जो है उनको इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। शामिल कर दिए मैंने, और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। सिर्फ थोड़ी सी देर जो है इसको दम लगाएंगे हम, ताकि आधा किलो चावल हैं ये, ठीक है, आधा किलो चावल के बना के दिखाएं मैंने, और ये आधा किलो चावलों की ही सब्ज़ी है। तमाम मसाले जो है ना ये सिर्फ आधा किलो चावल के लिए हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। नाज़रीन ये हमारे क्या कहते हैं चावल बन के तैयार हो चुके हैं, और देखें इसकी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है। और अगर आपको मतलब कम चटपटे लगे हैं तो आप ये शेजवान सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है, ठीक है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइंदा इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।